अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपने सफ़रनामे का आगाज़ खानपुर डैम से करते हैं जो कि पेशावर से 160 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है। पेशावर से M1 मोटरवे पर सफ़र करते हुए हम हज़ारा इंटरचेंज पर हरिपुर की तरफ मुड़ जाते हैं और हरिपुर इंटरचेंज पर उतरकर खानपुर की राह लेते हैं। दोस्तों, अभी मैं खानपुर डैम पहुंच गया हूं और ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है। वाह, क्या नज़ारा है। यहाँ से खानपुर डैम देखने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ से आप पूरे डैम का नज़ारा कर सकते हैं, स्पेशली जेट स्कीज और बोट्स। वाह, इन दोनों ने तो सही झील में एक माहौल बनाया हुआ है। झील में जहाँ पे भी आपकी नज़र पड़े आपको जेट स्की और बोट ही नज़र आएंगे। आज मौसम बहुत खुशगवार है और काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने ज़्यादा हजूम होगी लोगों की। आज इतवार का दिन है और छुट्टी होने की वजह से आसपास के लोग यहाँ का रुख करते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है और साथ में करीब भी पड़ता है, स्पेशली इस्लामाबाद, पेशावर, हरिपुर, इब्टाबाद के लोगों के लिए। जब भी आपने खानपुर डैम का ट्रिप बनाना हो आप सैटरडे और संडेज़ को ही यहाँ पर आए। ज़्यादा रश होने की वजह से आपको यहाँ पर खाने पीने की सब सहूलियत मिल जाती है, लेकिन अगर आपको इतनी ज़्यादा रश नहीं पसंद तो फिर कोशिश करें कि सैटरडे और संडेज़ को अवॉइड करें। रात बैठने के लिए लाजमन चटाई या चादर वगैरह ले आए। खानपुर डैम के बारे में बताता चलूं। खानपुर डैम दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 50 किलोमीटर के फासले पर खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए हरू पर वाकया है, जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पीने का पानी जबकि आसपास के सनती इलाकों को जरी और आपाशी का पानी फराहम करता है। और ये कुल 80,000 एक्टर फीट पर वाकया है और इसकी ऊंचाई 51 फीट है। इसको 15 साल कंस्ट्रक्शन के बाद 1983 में मुकम्मल किया गया था। डैम का नीला सरसब्ज पानी पूरे पाकिस्तान से सैकड़ों सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। मैंने जेट स्कीज और बोट का तो जिक्र किया, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर नायाब किस्म के बत्तख भी पाए जाते हैं। खानपुर डैम में टूरिस्ट के लिए बहुत सी सरगर्मियाँ मौजूद है, जैसा कि क्लिफ डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, स्नॉर्कलिंग, जेट स्की, बोटिंग, पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग और बहुत कुछ। खानपुर डैम के पानी का मयार भी बहुत अच्छा है, इसलिए फ़िशिंग के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमने एक बोट राइड लिया और मज़ा आया। काफ़ी एक्सपीरियंस बोट चलाने वाले लोग हैं यहाँ पर। वैसे मैं किश्ती का सफ़र करता ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन दोस्तों के इसरार पर और इस जगह की खूबसूरती ने मजबूर कर दिया। किश्ती में बैठकर झील देखने का मज़ा ही कुछ और है। पानी का शोर और चारों तरफ किश्तियाँ गुजरने की आवाज़ें, बता नहीं सकता कि कैसा लगा, लेकिन आप खुद यहाँ पर आके ये महसूस कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग का सोचा था मगर कर नहीं पाया, लेकिन मेरे ड्रोन कैमरे ने इसको रिकॉर्ड ज़रूर किया है। Thank you.
खानपुर डैम बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून जगह है। हमने मुख्तसर सा वक्त गुजारा क्योंकि हमारा सफ़र बहुत लंबा है, इसलिए हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन पे। हरिपुर से होते हुए आबसेरोसर पॉइंट की तरफ सफ़र करने का आगाज़ गाजी रोड से करते हैं, जिससे आप हरिपुर शहर का नज़ारा भी कर सकते हैं। खानपुर डैम से सेरोसर पॉइंट 1 घंटा और 46 किलोमीटर का सफ़र है। हरिपुर से गाजी रोड की तरफ मुड़ जाए जो कि आपको सेरोसर पॉइंट पहुंचा देती है। गाजी रोड ड्राइव करने के लिए एक खूबसूरत सड़क और एक अच्छा तजुर्बा है। ये सरसब पहाड़ों से घिरा हुआ है और पसे मंज़र में हरिपुर और मरगाला पहाड़ों के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ करती है। लेकिन ख़ूबसूरत होने के साथ साथ ये एक ख़तरनाक रोड भी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है और ओवर स्पीडिंग करने से आप हादसे का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा गाजी रोड पर सफ़र करते हुए आप एहतियात से गाड़ी चलाएं और साथ में इस बात का भी ख्याल रखें कि आप हरिपुर से गाड़ी का फ्यूल भरवा लें क्योंकि गाजी रोड पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है और ना ही खाने पीने का कुछ मिलता है यहाँ पर, इसलिए तैयारी के साथ आए। दोस्तों हम सिरोसर पॉइंट पहुँच गए हैं और ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। सिरिकोट पहाड़ और सिरोसर पॉइंट देखने का बेहतरीन टाइम सुबह सवेरे या शाम को होता है, जब ग़ुरूब सूरज उफक में गूता लगाते हुए आपके दिल को छू लेता है। सैर करने के लिए सबसे पुरसकून और दिलकश मकामात में से एक जो तरबेला डैम और आसपास के पहाड़ियों की हैरत अंगेज़ नज़ारे पेश करता है। वाह क्या नज़ारे हैं, मज़ा आ गया। यहाँ से तरबेला डैम देखने का मज़ा ही कुछ और है। इसी के साथ हमारा आज का ये व्लॉग अपने ख़त्म तक पहुँचता है, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस पर वक्त मिलते रहे। तब तक के लिए ही अमान अल्लाह।